तो दोस्तों, ये है हमारे पास सीगेट की हार्ड डिस्क, और इसमें कोई दिक्कत है तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ रहा है। तो देखिए, जब रीड एंड राइट हेड काम करना छोड़ देता है कई बार, तो इसे हमें ओपन करना पड़ता है। तो ओपन करने के लिए देखिए, हमारे पास ये स्क्रू है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। इसके अलावा एक स्क्रू और होता है जो कि इस सफेद सी पट्टी के नीचे होता है, उसको भी हमें ओपन करना है। तो चलिए करते हैं स्क्रू को ओपन, और आपको दिखाते हैं कि कैसे हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं। तो फिलहाल मुझे इन स्क्रू को ओपन करना है, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा पेज इनके लिए फिट रहेगा। तो वो मुझे डिसाइड करना है, जो भी टूल किट मेरे पास है। तो मैं स्क्रू के हिसाब से यहाँ से पेच कस निकालूंगा, और जो कि इन स्क्रू में फिट आए, और उसको चूज़ करने के बाद मुझे इसको ओपन करना है। तो हार्ड डिस्क के लिए छोटी वाली जो स्क्रू किट होती है वो यूज़ होती है, तो मेरे पास है ये। तो फिलहाल के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ, स्क्रू को। तो देखिए, हम इसको ओपन करेंगे, और ये वाला जो पेज है ये बिल्कुल सेट नहीं आ रहा है, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब मैंने जो बिल्कुल सही फिट बैठने वाला स्क्रू था उसको मैंने लगा दिया है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, मैं सारे बारी बारी इसको ओपन करूँगा मैं। तो ये 7 स्क्रू है, इसको ओपन करना है मुझे। तो देखिए दोस्तों, डिटेल में वीडियो को देखना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हार्ड डिस्क ओपन होती है। क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क ओपन करना काफ़ी मतलब बिल्कुल सावधानी वाला काम है ये, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके डाटा हार्ड डिस्क को या डाटा को करप्ट कर सकती है। तो बिल्कुल आराम से ये पूरा वीडियो देखना है, और सारे पेज ओपन कर लेने हैं। तो हार्ड डिस्क ओपन करने के जो स्टेप्स है, ये बिल्कुल सावधानी से देखना है इसको आपने, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है इसी हार्ड डिस्क में होता है। अगर गलती हो जाती है, एक तो सारा डाटा बास हो जाता है। तो बिल्कुल आराम से और ध्यान पूर्वक आपने हार्ड डिस्क को ओपन करना है। तो देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये स्क्रू मैंने ओपन कर दिए, और इसके अलावा एक स्क्रू यहाँ पे भी है नीचे, तो इसे भी मुझे ओपन करना है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये जो पट्टी है सफ़ेद सी, जो ये लेवल लगा हुआ है, उसको निकालना है। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे ये लेवल बिल्कुल आराम से ऊपर आ जाए। तो देखिए, मेरे पास चक्कू था, तो मैं इससे इसको ओपन करूँगा, इस पेज को जो कि चिपका हुआ है इससे। तो इसको मैं यहाँ से इसका जो कोना है इसको निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, थोड़ा सा कोना इसका ऊपर आ गया है, तो अब मेरे ये नाखून से ऊपर आ सकता है। तो मैंने इसका लेवल ये निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद एक सफ़ेद सा एक और यहाँ पे सफ़ेद से चिप लगी हुई है जो कि कागज़ की है, तो इसे भी मुझे निकालना पड़ेगा, तभी इसके नीचे वो स्क्रू आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, तो उसके बाद ही जो स्क्रू हमें खोलना है वो यहाँ पे आएगा। तो देखिए, ये स्क्रू इसके नीचे होता है, तो इसके लिए हमें ये लेवल निकालना पड़ता है, थोड़ा सा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, और हमें ये स्क्रू खोलना है।
तो बेसिकली क्या है कि इस हार्ड डिस्क में या तो इसका रीड एंड राइट हेड ओपन मतलब काम नहीं कर रहा है, या इसका जो बैरिंग होता है जो कि रोटेट करता है इस प्लेट को, वो नहीं घूम रहा है। तो दो में से कोई ना कोई चीज़ ख़राब है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो हार्ड डिस्क देखिए हम क्यों ओपन करते हैं कि कई बार हम हमारा जो रीड एंड राइट हेड होता है वो नॉर्मली सब फंस गया होता है कई बार, तो उस केस के लिए हमें हार्ड डिस्क ओपन करनी पड़ती है। बट ये जो काम है काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, इसको नॉर्मल यूज़र ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी हार्ड डिस्क को ख़राब कर सकती है। तो देखिए इस प्लेट को यहाँ यहाँ से ऊपर करना है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही इसको अंदर इंसर्ट करना है चक्कू को, ताकि आगे जो है प्लेट को स्क्रैचेज ना पड़े। तो देखिए फाइनली ये हमारी हार्ड डिस्क ओपन हो चुकी है। तो अगर आप हार्ड डिस्क नहीं देखी है तो इसके अंदर ही डाटा होता है, देखिए जो सफ़ेद सा चक्कू है इसके अंदर डाटा होता है। तो ये रीड एंड राइट हेड ये होता है, देखिए ये वाला जो है रीड एंड राइट हेड, जब हम डाटा इसके अंदर रीड करते हैं तो ये वाला हेड घूमता है, ये जो आप देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जाम हो गया होता है, मतलब फंस गया होता है, जब हार्ड डिस्क गिर जाती है तो ये फंस गया होता है और ये काम नहीं कर रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा इसको यहाँ से निकालना होता है। तो अब हम स्टेप करेंगे कि अगर ये रीड एंड राइट हेड जो है अगर फंसा हुआ है तो इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो बीच, अब इसके लिए मैंने लैपटॉप ले आया हूँ मैं अपना, इसको चेक करने के लिए क्या रीड एंड राइट हार्ड डिस्क का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हार्ड डिस्क को रीड करने के लिए जो जो यूएसबी जहाँ पे मैं प्लग करूँगा वो वाला सैंपल या होना चाहिए मेरे पास, एक यूएसबी केबल, एक लैपटॉप या कंप्यूटर, और इसके बाद जो यूएसबी हम लगाएंगे इस हार्ड डिस्क में वो वाला यहाँ पे पोर्ट होना चाहिए। ये तो मेरे दूसरे हार्ड डिस्क का था तो मैं उसको ले आया हूँ, और इस पोर्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना है ताकि हमारी यूएसबी ड्राइव इसके अंदर लग सके। तो देखिए ये बिल्कुल प्लग इन हो गया है, और अब यूएसबी का एक सिरा मैं लैपटॉप में लगाऊंगा और एक सिरा मैं इस हार्ड डिस्क के यूएसबी पोर्ट में लगाने वाला हूँ। तो देखिए ये यूएसबी पोर्ट में लगा दिया लैपटॉप के। तो और दूसरा मैं यहाँ पे लगा दिया हार्ड डिस्क के साइड। तो देखिए हार्ड डिस्क में लाइट का इंडिकेशन तो आ गया है, बट अभी इसका रीड एंड राइट हेड जो है रोटेट नहीं कर रहा है। अब मुझे यही चेक करना है कि रीड एंड राइट हेड में प्रॉब्लम है कि इसका जो बेयरिंग है इसके बीच में लगा हुआ है पैलेट के बीच में, इसमें दिक्कत है। तो कई बार क्या होता है कि रीड एंड राइट हेड जो होता है यहाँ पे जाम हो गया होता है, तो इसको नॉर्मली से दोस्तों इसको ये वाला जो काम है बिल्कुल सावधानी से करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा भी स्क्रैच अगर इस प्लेट में पड़ जाता है तो आपका डाटा जो वो लॉस्ट हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से करना है ये वाला काम, और यहीं तक इस हेड को लेके आना है, इससे बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इससे बाहर आ गया तो हमें दोबारा इसको इंसर्ट करने में दिक्कत आएगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं तक ही इसको लेके आऊँगा। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली अगर रीड एंड राइट हेड फंसा होता है और जब यूएसबी केबल लगी होती है तो ये रीड एंड राइट हेड जो है काम करना शुरू कर देता है, बट अभी तक इसमें कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि
इसका रीड एंड राइट जो हेड है ये ख़राब हो, बट चलो अभी काम चला हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे जो काम करना है बिल्कुल सावधानी से करना है, क्योंकि ये जो प्लेट है जो आप स्पेस की देख रहे हो, जो चक्का जैसा घूम मतलब जो गोल जैसा है, इसमें स्क्रैचेस नहीं लगने चाहिए। तो फिलहाल मैं इस रीड एंड राइट हेड को थोड़ा, ये जो मैं रीड एंड राइट हेड को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये फंसा होगा तो अपने आप ये घूमना शुरू कर देगा, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये फंसा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पे होता है बैरिंग, ये तो कई बार ये भी जाम हो गया होता है। तो देखिए रीड एंड राइट हेड में मुझे कुछ दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि जो नॉर्मली जो स्टेप्स होते हैं इस रीड एंड राइट हेड को, मतलब इस प्लेट से निकल आने के, वो मैं कर चुका हूँ, और ये रीड एंड राइट हेड मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रीड एंड राइट हेड ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने जो हाथ है ये चक्के के ऊपर नहीं रखा हुआ है, इसे ऊपर ही हाथ रखा हुआ है ताकि मेरे जो स्मज के निशान इस पे ना पड़े, तो क्योंकि यही कोर पार्ट होता है हार्ड डिस्क का, जहाँ पे डाटा आपका सेव रहता है ट्रैक और सेक्टर में। तो यहाँ पे हाथ ना लगाएं इस गोल चक्के पे, क्योंकि आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो अभी तक तो दोस्तों मैंने यूएसबी लगा के भी देख लिया है, यूएसबी लगा के चेक कर लिया है, और ये जो रीड एंड राइट हेड है ये काम करना, मतलब ये अगर ये ठीक होता तो ये काम करता, और ये वाला जो प्लेट है स्पेसी, देखिए ये देखिए दोस्तों ये जाम हो गया। देखिए ये जो प्लेट है ये घूम नहीं रही, देखिए बिल्कुल सख्त हो गई है, सख्त हो गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रीड एंड राइट जो हेड है वो ख़राब नहीं है, इनफैक्ट जो इसका ये जहाँ पे डाटा सेव रहता है ये चीज़ ख़राब है। यहाँ पे एक मोटर सी लगी हुई होती है, वो वाली मोटर यहाँ पे ख़राब है, एक बैरिंग सा होता है छोटा सा जो कि इसको घूमने में मदद करता है, वो यहाँ पे वो वाली चीज़ ख़राब है। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो तीन स्क्रू लगे हैं इसको थोड़ा सा ढीला करके देख लेता हूँ। तो उसके बाद भी मैंने इसको हिलाया तो भी ये जो चक्का है हार्ड डिस्क का ये बिल्कुल जाम, मतलब जाम सा हो गया हुआ, ये इतना